राज पिपला गुजरात से कृणाल पंड्या जी हैं, जिन्होंने एक प्रश्न पूछा हुआ है जो कि सार्वजनिक है। वे कह रहे हैं कि प्रणाम महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हमें पूरे दिन किस किस क्रिया में शिखा बंधन करना चाहिए और किस किस क्रिया में शिखा खोल देनी चाहिए और किस समय खुली रख सकते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये पूछना चाह रहे हैं कि शिखा हमेशा बंद करके रहें या शिखा को खोल करके रहें, शिखा कब कब बांधें, कब कब खोलें, शिखा बांधने का क्या मंत्र है, शिखा खोलने का क्या मंत्र है, किस वेद वालों के लिए किधर शिखा बंधन होना चाहिए और किस कार्य के लिए शिखा खोल दे, तथा जिनके शिखा नहीं हो, जो खलवाट हो गए हैं, अर्थात जिनके इस शिखा के स्थान के बाल गिर गए हैं, तो वे लोग क्या करें, शिखा कैसे रखें, इन सभी का उत्तर आप लोग सुने। देखिए, शिखा हमेशा बांध करके रखनी चाहिए। स्मृति का वचन है कि सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो व्युपवीतश्च यत करोसि न तत् कृतम्। कात्यायन का वचन है, इस कात्यायन स्मृति का पहले अध्याय का चौथा मंत्र है, श्लोक है कि सदा उपवीतिना भाव्यम, सदा उपवीति अवस्था में रहे, सदा बद्ध शिखे न च, सदा सदा शिखा को बांध करके रहे। अगर जो विशिख हैं, जिनके शिखा ही नहीं है, या जो बांध करके नहीं रखते हैं, ये यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, यत करोति न तत् कृतम्, वे जो करते हैं वो बिना किया हुआ ही माना जाता है। सामान्य रूप से स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुर्यात वही कदाचन। स्नान करते समय, प्रायः स्नान करते समय लोग खोल लेते हैं, ऐसा नहीं है। स्नान करते समय शिखा बद्ध होनी चाहिए। दाने दान करते समय, जपे किसी भी मंत्र का जप करते समय, होमे हवन करते समय, संध्यायाम देवतार्चने और तीनों संध्याओं में संध्योपासना करते समय और किसी भी देवता का अर्चन करते समय, पूजन करते समय शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुर्यात वही कदाचन, बिना शिखा बंधन किए ये कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। अर्थात समस्त शुभ कर्मों में शिखा बंधन परम आवश्यक है। तो शिखा कहां खुली होनी चाहिए, अब ये देखिए, शिखा मुक्ति कहां होनी चाहिए। शौचेत शयने संगे भोजने दंत धावने शिखा मुक्तिम सदा कुरियात दित्येतन मनुरब्रवीत इत्येतत मनुः अब्रवीत। ऐसा भगवान मनु ने कहा हुआ है कि शौचे यानी मल त्याग करते समय शिखा खुली होनी चाहिए, शयने सोते समय निद्रा के समय भी शिखा को खोल देना चाहिए, संगे यानी स्त्री प्रसंग में मैथुन आदि करते समय भी शिखा खुली होनी चाहिए, भोजने दंत धावने और भोजन करते समय और दंत धावन दतुवन करते समय भी शिखा मुक्तिम सदा कुर्यात, सदा ही शिखा को खोल करके ये सब कर्म करना चाहिए। एक शास्त्र का दूसरा भी वचन है, वे कह रहे हैं कि स्नाने च भोजने चैव तथा मूत्र पुरीषयो मैथुने च शवस्कंधे शिखाम सत्सु विसर्जयेत।
सत्सु शिखाम विसर्जयेत, इन छह जगहों पर शिखा को खोल देना चाहिए, जिसमें है सबसे पहले स्नान, यानी स्नान में। तो ऊपर अभी विधि बताई गई थी कि स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुरियात वही कदाचना, स्नान तो बिना शिखा बंधन के नहीं करना चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं स्नान च भोजने चाहिए तथा मूत्र पुरुषयो मैथुने च शव स्कंदे शिखाम सत्सु विसर्जये, इन छह कर्मों में शिखा को खोल देना चाहिए। तो स्नान में बांधे या खोले, इस पर विद्वानों ने जो है अपना भाष्य किया है। कहा गया है कि सामान्य रूप से नित्य स्नान में तो शिखा बंधी होनी चाहिए, लेकिन यदि प्रेत स्नान हो, किसी दिवंगत व्यक्ति के निमित्त कोई स्नान कर रहा हो या उसकी शुद्धि के बाद जो स्नान किया जाता है, तो तब तो शिखा खोल करके स्नान करना चाहिए। किसी प्रेत व्यक्ति के निमित्त स्नान किया जाता है तो शिखा खोल करके स्नान करे और नित्य स्नान शिखा बांध करके करे। भोजन में तथा मूत्र पुरुषयो, मल और मूत्र दोनों के विसर्जन करते समय, दोनों का त्याग करते समय शिखा को खोल ले गए। मैथुने च शव स्कंधे, और मैथुन स्त्री प्रसंग में, तथा शव स्कंधे, किसी शव का आप वहन कर रहे हैं, कोई को आप कंधे पर ले जाकर के कंधा दे रहे हैं, मतलब किसी दिवंगत व्यक्ति का, मृत व्यक्ति का शव आप ढोकर के शमशान तक ले जा रहे हैं, तो उस समय भी शिखा मुक्ति होनी चाहिए, अर्थात शिखा को खोल दे में। ये जो है शिखा खोलने के हेतु बतलाएं, शिखा इन जगहों पर, इन कार्यों में शिखा मुक्ति होनी चाहिए। अब किस वेद वाले के लिए किधर शिखा बंधन करना चाहिए, शिखा को मध्य में बांधे कि दाहिनी तरफ बांधे, दक्षिण पार्श्व में या वाम पार्श्व में बांधे, किधर किधर बांधे, ये भी शास्त्रों में निर्दिष्ट है। मध्ये तो बहुवृचाश्चैव, बहुवृचाः ऋग्वेदिनः, ऋग्वेदी जन, जिन लोगों का ऋग्वेद है, ऐसे लोगों को मध्य में शिखा का बंधन करना चाहिए, एकदम ठीक बीचों बीच में शिखा बांधनी चाहिए। निबधनीयो शिखांततः, मध्ये तो बहुवृचाश्चैव निबधनीयो शिखांततः, और माध्यान्दिनाश्च ये विप्राः पार्श्वे दक्षिणतः क्रमात्, और जो माध्यान्दिन है, शुक्ल यजुर्वेदी हैं, उनको दक्षिण पार्श्व में शिखा बंधन करना चाहिए, दाहिनी ओर शिखा बांधनी चाहिए। वाम पार्श्वे तो बधनीयुर ये विप्राः सामगायनाः, और जो सामवेदी ब्राह्मण है, उन सामवेदी ब्राह्मणों को वाम पार्श्व में कुछ मध्य से बाईं ओर को शिखा बांधनी चाहिए, ये नियम है। और खास रूप से आचार्य नागदेव जी कहते हैं कि बिना मंत्र के शिखा नहीं बांधे, जब भी शिखा बांधे तो मंत्र जरूर बोले। अगर किसी को ये पुराणोक्त मंत्र याद नहीं है तो वैदिक मंत्र बोले, वैदिक नहीं है तो पुराणोक्त बोले, अथवा गायत्री मंत्र से ही शिखा बांध लेनी चाहिए, नहीं तो छिद्र रूपिण महामाये दिव्य तेज समन्वते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, एक ये मंत्र है। अथवा ऊर्ध्वम केश विरूपाक्ष मांस शोणित भोजने तिष्ठ देव शिखा मध्य चामुंडे यपराजिते, ये भी मंत्र है और वैदिक मंत्र हैं। वैदिक मंत्रों को सार्वजनिक रूप से इस तरीके से नहीं बोला जाता है, वो आप जानते हैं। और गायत्री मंत्र है, उसका भी आप लोग स्मरण करके किसी भी एक मंत्र से या सभी मंत्र बोल करके शिखा का बंधन हो सकता है। परंतु अमंत्रक बात करते हुए बिना मंत्र बोले शिखा बांध करके जो कर्म करते हैं वो भी फलीभूत नहीं होता। देखिए, अमंत्रो दीयते ग्रंथिर जपो होमो वृथा भवेत, अमंत्रो दीयते ग्रंथि ही, यदि ग्रंथि शिखा में अमंत्रक बिना मंत्र बोले मंत्र स्मरण किए यदि शिखा बंधन कर लिया, तो फिर वो शिखा बंधन के बाद जो भी कर्म किए जाएंगे
वे वृथा भवेत। जप होम तप जो भी है वो जप होम अन्य भी कर्मों का उपलक्षक है। जप करे, होम करे, तप करे, दान करे, जो भी करे वो सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मंत्र पूर्वक ही शिखा बंधन होना चाहिए और शिखा खोलते समय भी मंत्र बोलना चाहिए। शिखा खोलने का मंत्र है ब्रह्म पाश सहस्रेण रुद्र शूल शतेन च विष्णु चक्र सहस्रेण शिखा मुक्तिम करोम्यहम्। ये मंत्र बोल करके शिखा खोली जा सकती है। अथवा प्रणवेन शिखा ग्रंथिम विमुच्य, प्रणवेन शिखा ग्रंथिम विमुच्य, केवल ओंकार बोल करके भी और शिखा मुक्ति की जा सकती है। शिखा खोलने का पूरा मंत्र जिनको याद नहीं है वे केवल प्रणव का उच्चारण करके ही शिखा मुक्ति करें, ये भी शास्त्र का निर्देश है। एक और शिखा मुक्ति का मंत्र है गच्छन्तु सकला देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा तिष्ठत्वाचलाः लक्ष्मी शिखा मुक्तिम करोम्यहम्। तिष्ठत्वाचला लक्ष्मी शिखा मुक्तिम करोम्यहम्, ये भी शिखा मुक्ति का वह मंत्र है। एक बात और प्रश्न किया हुआ था हमने प्रारंभ में कि जिन लोगों के शिखा स्थान के बाल नहीं है, बाल गिर गए हैं, खलवाट हो गए हैं, तो वे लोग शिखा बंधन कैसे करें, इस शास्त्र आज्ञा का, भगवद आज्ञा का पालन वे कैसे करें। तो कहा गया है संस्कार भास्कर ग्रंथ में कि खलवाटादि दोषेण विशिखश्चेन नरो भवेत कौशीम तथा धारयीत ब्रह्म ग्रंथि युताम शिखाम। जो खलवाट हो गए हैं, खलवाट दोष से जिनके बाल गिर गए हैं, वे लोग विशिखी लोग जन शिखा रहित हुए लोग कौशीम शिखाम धारयीत, कुशा की शिखा बना करके, कुशा जो है लेकर के, तीन कुशाओं को लेकर के, और जो शिखा में ग्रंथि लगाई जाती हुए ग्रंथि लगा करके अपने दाहिने कान पर धारण कर ले मैं, ये भी शास्त्र की आज्ञा है। इससे वो शिखा न रखने का, शिखा की जगह जो है खलवाट हो जाने का दोष शांत हो जाता है और उन्हें भी शास्त्र का वही फल प्राप्त होता है जो शिखा रख करके बंधन करके जिन्हें जो फल प्राप्त होता है। इस दृष्टि से शास्त्रों में हर चीज का विवरण है, विशेष रूप से नित्य कर्म का, षट कर्मों का शास्त्रों में विधिवत प्रतिपादन है, उनका विधिवत पालन करने पर ही संसिद्धि की प्राप्ति होती है। एक बात विशेष और है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य लोग तो शिखा को सदा बांध करके रखें और शत शूद्र लोग भी शिखा का बंधन कर सकते अमंत्रक रूप से, बिना मंत्र बोले ही, और जो अंत्यज लोग हैं वे भी शिखा को रखें न रखें, अथवा शिखा उन्हें बांधनी नहीं चाहिए, शिखा खोल करके ही रखनी चाहिए, ऐसा कर्मकांड प्रदीप नाम के ग्रंथ में आचार्यों ने प्रतिपादित किया है विषय को। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो मंत्र पूर्वक सदा शिखा का बंधन करके रखें और लोग जो शतशूद्र लोग जो हैं वो अमंत्रक शिखा का बंधन करें और अंत्यज लोग शिखा को जो है रखें या न रखें, पर बांध के न रखें, रखें भी तो, ऐसा शास्त्रों में प्रतिपादित है विषय। हर हर महादेव।